सर्वो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। कहानी कहना काफी नहीं है, मंत्र बोलना काफी नहीं है, अक्षरों का उच्चारण करना काफी नहीं है, पर अक्षरों का उच्चारण करने वाले जो व्यक्तित्व काम करता है असल में वो है चीज, वो है चीज। तो उसके बाद में राजा परीक्षित को सुखदेव जी को बुलाया गया। सुखदेव जी ने भागवती कथा सुनाई। भागवती कथा सुनने के बाद में फिर उनका फायदा हो गया, उनका ये हो गया, ये मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मंत्र की शक्ति की बात कह रहा हूँ, मंत्र की शक्ति की बात कह रहा हूँ। जो मंत्र स्वयं के कल्याण के लिए, दूसरों को वरदान आशीर्वाद देने के लिए, भगवान को प्रभावित और प्रभावित करने के लिए, उसकी वाणी में इतना बल हो जो भगवान के कानों के ऊपर हावी हो सके। भगवान से कहे हमारी बात सुनिए, आप सुनते क्यों नहीं है, हमारी बात सुनिए, सुननी चाहिए। ऐसी आवाज में, ऐसी आवाज जिसकी वाणी में से निकलती हो, उसके मुंह में से ऐसी आवाज निकलती हो, उस आवाज को मंत्र कहते हैं। और इनको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, इनको उच्चारण कहते हैं। जो हमारा बोलते हैं, तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, तरह तरह की बोलियां बोल करके आप भगवान को कोई खास प्रभावित नहीं कर सकते। आपका ये ख्याल है कि हमको जो शब्द जिसको आप मंत्र कहते हैं, शब्दों की बनावट को सुना करके भगवान जी को हम प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान जी शब्दों की बनावट को सुन करके, आपकी आवाज़ को सुन करके, आवाज़ के मुँह में से जो शब्द निकलते हैं उनको सुन करके, आपकी स्थिति सुन करके, आपकी प्रार्थना सुन करके, आपकी स्तोत्र सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। बात ऐसी नहीं है, आपने गलत समझा है। आपने ये ख्याल किया है कि भगवान जी को शब्दों से कोई खास मोहब्बत है। भगवान जी को शब्दों से कोई खास मोहब्बत नहीं है। अगर ऐसे भगवान जी रहे होते तो फिर हम अपने गांव के एक ठाकुर रामहंस से उनका मुकाबला कर देते भगवान जी से। हमारे गांव के ठाकुर साहब थे, सारे गांव के बच्चे जानते थे उनको। बच्चे जब कहीं बैठते हैं, हाँ साहब, ताऊ जी कहते थे हम लोग सब उनको, ताऊ जी, हाँ ताऊ जी, सब खेल लिए बच्चे आगे, ताऊ जी, हाँ, बिल्ली की बोली बोल के सुनाइए, ताऊ जी, अरे भाग जाओ, हमें सुनाते हैं, नहीं तो ताऊ जी फिर हम निकलने नहीं देंगे, ताऊ जी हम उसे बिल्ली की कहानी सुनाएंगे, बिल्ली की बोली सुनाएंगे, अच्छा बैठ जाते हैं, मत बचाना, चिलम पी लें तब सुनाएंगे, अच्छा साहब चिलम पी लीजिए, ताऊ जी भी चिलम नहीं पी गया, हाँ तब तो पी ली चिलम, चाहता साहब बिल्ली की बोली सुनाइए, बस वो उनके सामने ला करके ऐसे ऐसे बोलते थे, म्याँ बोल देते थे, बच्चे खूब खुश हो रहा है, बिल्ली की सुनी, अच्छा अब ताऊ जी कुत्ते की और सुनेंगे, अच्छा कुत्ते की सुनाते हैं, चुप बैठे ना, दंगा मत बचाना, अच्छा कुत्ते की सुना दीजिए, बस कुत्ते की हो ऐसे करते थे, अच्छा तो ताऊ जी बकरी की और सुना दीजिए, अच्छा बकरी सुनाते, मैं कई तरह के बोलते थे, बस बच्चों का खूब मजाक होता था। और आधा घंटे के बाद में बच्चे चले आते थे और ताऊ जी भी चले आते थे और सारे गांव में ये मशहूर थे, कौन से, ताऊ जी क्या क्या बोलते हैं, कुत्ते की बोली बोलते हैं, बिल्ली की बोली बोलते हैं, गधे की बोली बोलते हैं, घोड़े की बोली बोलते हैं, भैंसे की, सब बोलियाँ बोलते हैं। ये मैं आपकी किसकी बात कहता हूँ, ताऊ जी की बात, तो हमसे क्यों कह रहे हैं, आप भी ताऊ जी हैं, ताऊ जी आप भी हैं, तरह तरह की बोलियाँ, तरह तरह के श्लोक, तरह तरह के मंत्र, तरह तरह की प्रार्थना, तरह तरह की पूजा, तरह तरह की चीज़ें सुना करके पसंद करना चाहते हैं, उस भगवान को पसंद करना चाहते हैं जो आपके ईमान की आवाज़ सुनना चाहता है, जो आपके भीतर को सुनना चाहता है, जो आपकी क्रियाकलापों के बारे में ज़्यादा महत्व नहीं देता कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते, आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और किस चीज़ का नहीं इस्तेमाल करते हैं, आपके उन वस्तुओं को देख के बहकाना चाहते हैं। वस्तुओं को नहीं बहका सकते आप, बच्चों को दिखा करके बच्चों को बहका सकते हैं, भगवान को नहीं बहका सकते। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।